जो गौतम एक मंत्री जी जिनका इस्तीफा लिया गया अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं पर, हैं वो तो मुसलमान नहीं है, वो तो मुसलमान नहीं है। मुझे ये बता दीजिए, उन्होंने भी तो विरोध किया है, उनके साथ में कितने संगठन, साथ में कितने लोग उनके साथ में खड़े हुए हैं। नहीं इस पे सवाल किया है ना, इस पे तथ्य क्लियर करें। नहीं मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, भाजपा इस पे पहले तो तथ्य क्लियर करें कि वो अम्बेडकर साहब को नहीं मानते, ठीक है, तब उनका विरोध करें, वो उन 22 प्रतिज्ञाओं को विरोध करें, ठीक है। और रही क्या कहते हैं केजरीवाल की बात, कि केजरीवाल क्यों आ रहे हैं, केजरीवाल नहीं, केजरीवाल के ही तो क्या कहते हैं वो मंत्री पद पे थे, तो उनको तो विरोध करना था कि कहीं से आज केजरीवाल हर अपने मुद्दे से ऐसा पल्लू छिटक लेते हैं कि पुलिस उनके हाथ में नहीं होती है, ठीक है। दिल्ली दंगे होते हैं, पुलिस उनके हाथ में नहीं होती, मरकज का होता है, वो खुद FIR कराते हैं, ठीक है। JNU में हमले होते हैं, बच्चे पीटे जाते हैं, सर फट जाते हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं होता है, LGB ठीक है, सब काम होते हैं उनके पास में, पर उनके पास में पुलिस नहीं होती है, उनके पास दबी कुचली पीड़ित जनता के लिए बोलने के लिए, चुप्पी तोड़ने के लिए जवाब नहीं होते हैं। अरे हम कह रहे हैं कम से कम, मैंने कहा ना कि जनता के लिए अरविंद केजरीवाल पीड़ित दलित माइनॉरिटी बहुसंख्यक के लिए चुप्पी तोड़ दें, जनता उतने में ही उनको मान जाएगी कि हाँ एक और पार्टी है और एक विपक्ष है, एक विपक्ष में केजरीवाल और हैं जो एक दलित कुतली क्या कहते हैं जनता के लिए, देश के लिए, रोजगार पे, शिक्षा पे बात करते हैं। ये सब क्या कहते हैं मुद्दे हैं और सब मॉडल हैं। आज जाके आप क्या कहते हैं कि दिल्ली के सारे स्कूल देख लीजिए उठा के, सिर्फ पूरी दिल्ली के 5 स्कूल आपको गिनती के बताए जाएंगे कि जिनमें ईंट लगाई गई है, नहीं तो पेंट से सजाया गया है, ठीक है, ईंट लगाई गई है और सिर्फ पेंट से सजाया गया उनको सारे। जो आज ये बताइए, पुरानी दिल्ली से लेकर और आप ले जाइए लोनी तक, पूरे लोनी के अंदर कौन सी दिल्ली की जगह है जो खुद ही नहीं पड़ी, कौन सी दिल्ली की जगह जो खुद ही नहीं पड़ी है, काम हो रहा है, काम हो रहा, कब होगा ये काम का क्रेडिट लेते हैं मोदी जी और केजरीवाल जी, ये सिर्फ क्रेडिट लेते हैं। शीला दीक्षित जो सारे प्रोजेक्ट है ना दिल्ली के, दिल्ली को संवारने वाली शीला दीक्षित थी, सारे प्रोजेक्टों को पास कराने वाली शीला दीक्षित थी। सिर्फ मैं कह तो रहा हूँ, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, इनकी सरकार BJP और आम आदमी पार्टी की सरकार जहाँ भी है ना, सिर्फ इन्होंने क्रेडिट लेने का काम किया है। लेकिन मुसलमान जो है BJP उनके लिए तो काम कर रही है। दिल्ली दंगे से दिल्ली प्रदेश का सबसे पहले इनकी सरकार कहाँ थी, दिल्ली प्रदेश में, दिल्ली प्रदेश के मुसलमानों को इन्होंने भ्रमित करके प्रदेश हासिल कर लिया, उसी मॉडल को ले जाके इन्होंने पंजाब में प्रेजेंट किया, ठीक है। दिल्ली सबसे पहले बदलना किसको है, जब मेरे घर में आग लगी है तो सबसे पहले उठना मुझे है। दिल्ली प्रदेश के मुसलमानों को, दलितों को, जिन्होंने को इन्होंने भ्रमित करके दिल्ली हासिल किया था, आज उन दलितों को, उन बहुसंख्यकों को, उन माइनॉरिटी को, ईसाई हिंदू मुस्लिम को, सबको समझ में आ रहा है कि केजरीवाल का एजेंडा क्या है। क्योंकि दिल्ली दंगों के वक्त में आप बात करते हैं बिल्किस की, मेरी बहन, ठीक है, उसकी बात करते हैं आप, खुद की पार्टी के ताहिर हुसैन के लिए बोल जाएं, अभी अमानतुल्लाह खान जी गिरफ्तार हुए थे उनके लिए बोल जाएं, मैं तो कह रहा हूँ ना इनकी पार्टी के मुसलमानों के लिए ये चुप्पी तोड़ दें अपनी। तो क्या केजरीवाल समझ गए कि मुसलमानों के मुद्दे पे मौन रहना नहीं, मौन रहना है, ये मौन ही रहेंगे, क्योंकि अभी जो इंट्रैक्शन चल रहा है ना, मैं बता तो रहा हूँ कि गुजरात के चक्कर में इनके हाथों से दिल्ली जा रहा है, और आके नहीं है तो सर्वे करा लें आज ही, दिल्ली जा चुका है इनके हाथ से। और रहा मुसलमान साथ, मुसलमान ही नहीं, यहाँ का दलित, यहाँ का बहुसंख्यक साथ नहीं देगा केजरीवाल जी का। नहीं, वो तो कहते हैं कि अभी तक, अभी आगे मतलब 20 साल तक दिल्ली में राज कर किया जाएगा। कर लिया, जो ये दो बार रिपीट हो गए ना अब नहीं होंगे। शिक्षा मॉडल उनका बोलता है, शिक्षा मॉडल बोलता है, आपने देखा होगा गुजरात के अंदर मनीष सिसोदिया रैली कर रहे हैं, रैली में इनसे एक पत्रकार ने एक सवाल किया था, इनकी गाड़ी में, उन फूल से सजी हुई गाड़ी में एक सवाल करते हैं कि जनता सवाल कर रही है कि मनीष सिसोदिया बिल्किस बानू पे क्यों नहीं बोलते, यही सवाल था शायद उसी बाइट में, इतना सा सुना मैंने, ठीक है, कि वो कहते हैं कि हम बात तो कर रहे हैं, जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, आज हम क्या कहते हैं उस पर अस्पताल पे, स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं, पानी पे बात कर रहे हैं, बिजली पे बात कर रहे हैं, ठीक है, सही तो बोल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते वो। अरे हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की छोड़ो, वो तो क्या कहते हैं अपने पार्टी की बात नहीं करते, अपने पार्टी के नेताओं की बात नहीं करते, सिर्फ बात करते हैं वो सत्येंद्र जैन की, सत्येंद्र जैन उनको अब नजर नहीं आते, सत्येंद्र जैन की अब कोई वाइट नहीं आती उनकी, अब कोई इंटरव्यू नहीं आता सत्येंद्र जैन के पक्ष में उनका, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी में आते हैं, आपको बता दूँ,
ठीक है, अमानतुल्लाह खान के लिए उनका एक भी वाइट नहीं आया। हाँ ये जरूर आया, जब वो रिहाई हो गए ना तो ट्विटर पे एक क्या कहते हैं ट्वीट डाल के उनको शुभकामना दे दी उन्होंने। एक वाइट नहीं आई उनके, एक बयान नहीं आया। अच्छा एक वीडियो वायरल हो रहा है, केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई मैं तो खानदानी बीजेपी वाला हूँ, जनसंघ वाला हूँ। हाँ वही तो मैं कह रहा था कि वो तो खुद मोहर लगा रहे हैं। अच्छा। वो तो खुद मोहर लगा रहे हैं कि मैं तो खानदानी क्या कहते हैं, मेरे तो पैदाइशी क्या कहते हैं, हम तो बीजेपी वाले हैं, संघ वाले हैं, तो एक जनता खुद तय करे। नहीं बीजेपी वाला नहीं बोला, लेकिन कहा है, साफ साफ कहा है, मैं दिखा दूं, वीडियो मेरे पास है, लेकिन बीजेपी वाला संघ वाला, लेकिन कहा जा दोनों शब्द कहे उन्होंने, लेकिन कहा जा रहा है कि गुजरात का मुसलमान वाली प्यार की नजर से देख रहा है केजरीवाल को। मैं कह देता हूँ कि अब प्यार की नजर है ना टूट चुकी है। जो सवाल हो गया ना विल्किस बानू पे क्यों नहीं पूछते, तो वो जो क्या कहते हैं स्टार्टिंग का प्रचार था ना वो जरूर मुसलमानों ने सुना है। मैं कहता हूँ कि एक भी रैली आज हुई हो, कल हुई हो, या आने वाले कल में होने वाली हो, एक का भी सर्वे निकाल लीजिए कितनी क्या कहते हैं दलित और माइनॉरिटी उसमें भाग लिया है। तो माइनॉरिटी कहाँ जाएगी फिर? माइनॉरिटी जा रही है बस कांग्रेस के साथ, बहुसंख्यक कांग्रेस के साथ जा रहा है, राहुल गांधी के साथ जा रहा है, भारत जोड़ो यात्रा के साथ। कांग्रेस ने क्या करा क्या मुसलमानों के लिए ये बताइए, किस वक्त नहीं उठाए ये बताइए, किस वक्त नहीं उठाए? कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं, कांग्रेस किसानों के मुद्दे उठाती है, कांग्रेस क्या कहते हैं उन छात्रों के मुद्दे उठाती है जिनको रोजगार नहीं मिलता, कांग्रेस महंगाई पे उठाती है, कांग्रेस किस वक्त, कांग्रेस ने अग्निवीर पे मुद्दे, हर मुद्दे पे देश की जनता के जो हित में मुद्दे नहीं है, बस ट्विटर पे मुद्दे उठाती है, सामने नहीं आती है। महंगाई पे हल्ला बोल किसने करा था? महंगाई पे हल्ला बोल किसने करा था? कांग्रेस ने। एक भी विपक्ष अगर कांग्रेस के साथ आके हल्ला बोल कर लेता ना तो शायद इनको क्या कहते हैं सिलेंडर के दाम 1100 से लेके 1000 रुपए तो लाते। अगर एक भी विपक्ष खड़ा होके कांग्रेस के साथ में हल्ला बोल करता, और उस हल्ला बोल का ही ये पूरा प्रपोजल था जो इनको झटके लगे। गुजरात के मुसलमानों को क्या कहना चाहेंगे? गुजरात के मुसलमानों से एक ही गुजारिश करना चाहूँगा मैं अपनी तरफ से कि मेरे भाइयों भटक लिए 14 से लेकर और आने वाली 24 तक, ये पूरे 10 साल हम लोग भटक लिए हैं। अब अपने आप अपने ईमान में अपने गिरेवान में झांक के देखो कि हमें किसके साथ जाना चाहिए। शुक्रिया। केजरीवाल के साथ जाना चाहिए, किसके साथ जाना चाहिए मैं बताऊं? देखिए मेरी बात, मैं कांग्रेस सपोर्टर हूं, वो मेरा वैचारिक अपना पर्सनल है। आप केजरीवाल के हो या किसी वाल के हो, किसी के भी हो, वो आपका वैचारिक है। मैं तो ये कहना चाहूँगा जिसको सही समझे जनता, इस वक्त में जो मुद्दों को लेकर चल रहा हो, जनता को एक साथ ले। सबसे बड़ी बात तो एक चीज़ बता दूं कि एक बात है कि जिस देश में नफरत होगी वहाँ कभी रोजगार नहीं होगा, वहाँ कभी क्या कहते हैं खुशहाली नहीं होगी, अमन चैन शांति नहीं होगी। क्योंकि रोजगार का एक बात बताऊं, अभी परवेश वर्मा जी ने और नंद किशोर गुर्जर जी ने, दोनों ने, एक भाजपा का सांसद है एक भाजपा का विधायक है, ठीक है, दोनों ने क्या कहते हैं बाइकआउट का काम किया, ठीक है, और हमने खुद उस बाइकआउट को धरातल पे जाके जमीनी तौर पर अपने हिंदू बहुसंख्यक दलित भाइयों से बात करी कि क्या आप मेरे साथ रोजगार नहीं करना चाहते। मैंने अपने ऊपर बात करी, मैं किसी जनता की और की बात लेके नहीं चलता इस बात में, क्योंकि मैं भी मुसलमान हूँ, अगर वाइकआउट होगा तो सारे समाज के साथ मेरा भी होगा। तो मैंने खुद अपने ऊपर बात करी कि मेरे साथ रोजगार नहीं करना चाहते। वो साफ कहते हैं कि इस देश में जो है ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहते हैं, और एक साथ जो शुरुआत से इस देश की जब रचना रची गई है तब से क्या कहते हैं लेन देन का मामला शुरू से रहा है। चलिए धन्यवाद। ठीक है, रोजगार में लेन देन का मामला तब से रहा है।